है हाँ। ये साइन तो इस गवर्नमेंट ने की है ना, अगर ये गवर्नमेंट चाहती तो ना करती साइन, तो थोड़ा सा आगे खींचती, ये करती वो करती, इसका मतलब है सब कुछ तैयार हो। तो सिट साहब स्वागत कैसे होगा? मियां साहब आएंगे और वो सवाल वही खड़ा होगा हाँ। जो आज शाबाज गिल साहब के लिए आपने खड़ा किया है हाँ। कि वो जेल जाएंगे या अस्पताल जाएंगे तो वो अगर हाँ। तो लाहौर आते हैं तो जेल जाएंगे हाँ। अगर इस्लामाबाद आते हैं तो अस्पताल जाएंगे हाँ। और वहाँ से फिर वो अदालत के आगे पेश होंगे वहाँ अपनी वो बेल ले लेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि मैं एक्सकाउंटर नहीं था, ये मेरे इश्यूज थे, बहरहाल मैं अब आ गया हूँ। तो और वो चाहेंगे कि उनके वकील फिर आर्ग्यू करेंगे कि ये सारा कुछ जो उनके साथ ज्यादती हुई है, ये इकामा, डिस्क्वालिफिकेशन, कन्विक्शन, ये वो सारी रिव्यू पिटिशन्स तो पेंडिंग है। तो फिर उनको कहेंगे जी सुने ना, इनको मैं आ गया हूँ, सुन लें अब उनको, फैसला करें। तो आप सितंबर में ये होता देख रहे हैं? नहीं, सितंबर में तो गेम शुरू होगी। अच्छा, गेम शुरू होगी। हाँ, गेम कब जाके होता देख रहे हैं सिटी साहब? ये तो पता नहीं कितनी देर लगती है, ये डिपेंड करता ना ये हुकूमत कितनी देर रहती है। अच्छा। अगर तो ये हुकूमत ने रहना है अगले साल। अभी पानी किस कंडीशन में है? माया हालत में है, ठोस हालत में है, किस हालत में है पानी? अभी ये है जी के पानी की देचकी जो है ना वो आग पे रखती गई है, ठीक है, आग को ऑन कर दिया गया, गैस ऑन हो गई है, आग लग गई है। अब देखना है कि पानी कितनी देर में उबलता है, तो वो डिपेंड करेगा कि फ्लेम जो है, जो आग है, वो उसका नॉब जो है आपने किस लेवल पे किया हुआ है। आपने से मुराद किसने नॉब की हुई होगी? जाहिर है अब तो हुकूमत पाकिस्तान करेगी ना। वो नॉब जो है वो तो हुकूमत पाकिस्तान के दी। पानी कब गर्म होगा? जब पानी गर्म उस वक्त होगा जब इलेक्शन पक्की हो जाएगी, कॉल करने का वक्त आ जाएगा। और इलेक्शन कॉल किसने करनी है? इसी हुकूमत ने करनी है। अच्छा, ये जो इस वक्त पीडीएम की हुकूमत है वो इलेक्शन कॉल करेगी ना, उसका टाइमिंग वो फैसला करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले पहले फिर बहुत से इकदाम होने पड़ेंगे हाँ। लेवल प्लेइंग फील्ड तो बनानी पड़ेगी ना हाँ। हाँ। तो उस लेवल प्लेइंग फील्ड के अंदर मियां साहब की जो 5 साल की कन्विक्शन है हाँ। वो तो हो गई कन्विक्शन, और जो लाइफ टाइम की जो है वो उसके लिए कुछ कानून साजी करनी पड़ेगी। फिर ये भी देखना पड़ेगा कि इमरान खान साहब को लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाता है या 5 साल के लिए किया जाता है, ठीक है ना, तो वो देखना पड़ेगा। और उधर देखना पड़ेगा कि मियां साहब के तो 5 साल पूरे हो गए, तो फिर क्या करना है। तो ये सारे सवाल अब पार्लियामेंट के अंदर आएंगे, और अगर इमरान खान साहब पार्लियामेंट में नहीं है, बाहर बैठे हुए हैं, तो पार्लियामेंट अपने लिहाज से फैसले कर ले, और अगर ये वहाँ हैं तो फिर मिलजुल के कुछ फैसले हो जाएंगे हाँ। तो लेवल प्लेइंग फील्ड अब बनानी पड़ेगी हाँ। और उससे कबल नवंबर के अंदर बहुत से और अहम फैसले आ रहे हैं। अब खान साहब को हम देखते हैं कि खान साहब अब उसको कैसे घुमाते हैं। ठीक है, यानी बहुत खान साहब के दो स्टैंडर्ड हैं, एक अपने लिए और एक अपने ओपोनेंट्स के लिए। आपको याद होगा कि आसिफ जरदारी साहब की बहन फरियाल तारपुल को इस्लामाबाद में मिडनाइट नॉक और उनको उठा के ले गए, याद है आपको? डॉक्टर ने बताया भी था, डॉक्टर के ऑर्डर से कि इनको नहीं रिमूव करना, उनको उठा के ले गए थे 2 बजे सुबह और जाके अडियाला जेल में फेंक दिया। ये खान साहब के ज़माने में ये हुआ उनके ऑर्डर्स के ऊपर। अब ये जो उनकी कोई हैसियत नहीं है इस वक्त, ना वो हुकूमत में है, ना वो चीफ मिनिस्टर हैं, ना ही ये हुकूमत जो है पीटीआई की हुकूमत है, ये हुकूमत चौधरी परवेज अलाई की है। अब अगर किसी ने कोई बात करनी है तो चौधरी परवेज अलाई करे ना। चौधरी परवेज अलाई ने तो ऑलरेडी बयान दे दिया कि गिल ने जो किया वो गलत काम किया, उसने तो कंडेम कर दिया गिल को, ऐसे ही है ना। अब उनका बयान जो है वो गिल के खिलाफ जाएगा ना, कि एक चीफ मिनिस्टर जो है वो खुद ये कह रहा है कि जी इसने जो काम किया वो गलत किया है, वही तो इल्ज़ाम है उसके ऊपर, इलीगल है, गलत है। और बाकी लोगों ने भी दूर हो गए उससे, इमरान खान साहब खुद दूर हो गए उस जो कुछ उसने कहा है। तब बात यह है कि गिल के खिलाफ केस तो तकड़ा हो गया, और अब खान साहब किस हैसियत से ये कर रहे थे? कोई हैसियत नहीं है। अगर खान साहब ने फ़ोन उठा के परवेज़ इलाही को कहा है, और परवेज़ इलाही ने फ़ोन उठा के IGP को कहा है, और IGP ने फ़ोन उठा के IG प्रिजन्स को कहा है, और IG प्रिजन्स ने फ़ोन उठा के DIG को कहा है, और DIG ने फ़ोन उठा के सुपरिंटेंडेंट को कहा है, तो लिखत पढ़त तो कहीं नहीं है ना। अगर कोई लिखत पढ़त हो कि ये करो तो सारे अंदर हो जाएंगे, क्योंकि कोर्ट की कंटेम्प्ट है ना, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि हैंड ओवर टू द पुलिस, पुलिस से मुराद इस्लामाबाद पुलिस जिसका ये केस है। तो अग और 2 दिन का रिमांड मिल गया है। अब अगर इसको कोई ऑफिशियल इसको ये ऑर्डर ओबे नहीं करता या वायलेट करता तो वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएगा। तो ये होना ऐसे ही था,
कि ये थोड़ी बहुत यहाँ से धमकी थी, किसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट डर जाए, पीछे हट जाए, आप नहीं देते, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक, और डिले करने की कोशिश करो। मगर उधर से भी तो आपने देखा फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं लेने, रोक लोगे रोक सकते हो तो ठीक है। तो इसमें विफाक अकेला नहीं था ना? हाँ, तो जाहिर है, मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में कहा था कि खान साहब आपको एक पैगाम दे दिया गया है, आप समझ जाएं उस पैगाम का क्या मतलब है, सोचे समझे वो पैगाम दिया गया था। वो ये दिया गया था, आपको याद होगा, कि अगर खान साहब जलसा जुलूस करेंगे इस्लामाबाद में जी। तो रेंजर्स जब बुलाए जाएंगे, फेडरल गवर्नमेंट जब बुलाएगी तो उनको रेंजर्स दे दिए जाएंगे, ये नहीं होगा कि रेंजर्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये पैगाम यही था कि वी विल फॉलो ऑर्डर्स, और ये हुकूमत लिजिटिमेट हुकूमत है, इसके ऑर्डर हम फॉलो करेंगे, जैसे इमरान खान के ज़माने में वो उनके ऑर्डर्स फॉलो करते थे। तो यही न्यूट्रलिटी का इजहार है कि जो उन्होंने कहा जी जो ऑर्डर आएगा हम फॉलो करेंगे। अब उसके बाद ये जो गिल साहब के साथ हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा पैगाम था इमरान खान के लिए, कि आप बहुत हो गई, बस करो। नहीं बस करते, पहले वो सोशल मीडिया वालों के साथ, सीखो भाई, नहीं सीखे, लगे हुए अभी भी, फिर ये, फिर वो, फिर ये फाइनल स्टेज ऐसी थी, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता था। ये बिल्कुल हर किस्म की रेड लाइन, रेड बैरियर क्रॉस तोड़ चुके थे। अगर यहाँ एक्शन ना लिया जाता अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट, तो फिर पता नहीं फिर ये बात कहाँ कहाँ जाके रुकती। कल को तो ये और कुछ इससे भी आगे निकल जाते और कहते जी इनकलाब आ गया और फौज बगावत कर दे। तो इसलिए आयशा ये चीज जो है, ये अब फेडरल गवर्नमेंट ने ये इशारा किया कि हम आ रहे हैं, रोक लो, वो नहीं रोक सकते, ना कानूनी तौर पे रोक सकते हैं।